हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज टॉपिक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंट बेसिस। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन या बैक्टीरियल सेल वॉल। ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे, बैक्टीरियल सेल वॉल के बेसिस पे जो बैक्टीरिया है उसको क्लासिफाई किया गया है, उसे बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मतलब उनका आकार कैसा है, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका खाना खाने का, न्यूट्रिशन लेने का कौन सा तरीका है, कौन सा मोड है, उसको उसके बेसिस पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, किस बैक्टीरिया को कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, किस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए और किसको नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। सेम ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे कि उसे एसिड चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, कि बेसिक कैसा मीडिया उसको चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया है बैक्टीरिया को। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे बैक्टीरिया लोकोमोशन करता है, मूवमेंट जस्ट लाइक अ टेल। मूवमेंट और लोकोमोशन के बेसिस पर भी कितने नंबर्स हैं फ्लैजेला के, उसके बेसिस पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर एक ऐसी चीज होती है जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, उसको टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, उसके पास वाटर नहीं है, तो बैक्टीरिया एक स्पोर डेवलप कर लेता है जिसके अंदर वो छुपा रहता है बहुत सालों तक, फॉर एग्जाम्पल बैसिलस। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नाइन के बेसिस पे बैक्टीरिया को 9 तरीके से क्लासिफाई किया गया है बैक्टीरिया को। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन, शेप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, पीएच ऑफ ग्रोथ, ऑस्मेटिक प्रेशर एंड नंबर ऑफ फ्लैजेला एंड द लास्ट स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब ग्राम स्टेन में जो हमारा पहला वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके पास थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है, और जो ग्राम नेगेटिव होती है उनके पास थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है और लिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव में, फॉर एग्जाम्पल ईकोलाई, और ग्राम पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कोकाई, वेसिलाई, स्पाइरल, विवरियो। कोकाई मतलब राउंड शेप है उसका, राउंड आकार है बैक्टीरिया का। वेसिलाई मतलब रॉड की तरह स्ट्रक्चर है। स्पाइरल मतलब एक रॉप की तरह, रस्सी की तरह उसका स्ट्रक्चर है। विवरियो मतलब कोमा की तरह अगर स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, तो उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है बैक्टीरिया को। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशंस, वो कैसे न्यूट्रिशंस लेते हैं, फोटोट्रॉप्स हैं, खुद लेते हैं या खुद बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, फोटोलिथोट्रॉप्स हैं, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स हैं, कीमोट्रॉप्स हैं, केमिकल्स पे डिपेंड करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं कि हाइटोट्रॉप्स है, कि दूसरों पे डिपेंड है, उसके बेसिस पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेसिस पे साइक्रोफिल्स हैं, ठंडी जगहों में रहते हैं, कूल टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, मीजोफिल्स मतलब नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर 25-30-20 डिग्री है, थर्मोफाइल्स मतलब गर्म इनको चाहिए होता है, मतलब 65-70 के आसपास, और हाइपरथर्मोफिल्स मतलब बहुत ज्यादा इनको गर्म टेम्परेचर चाहिए, 80-100-120 टेम्परेचर चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत है ग्रो करने के लिए कि नहीं, ऑब्लिगेट एरोबिक्स मतलब उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ग्रो करने के लिए, फैकल्टेटिव एनारोब्स मतलब अगर ऑक्सीजन होगा तो भी ग्रो करेंगे, नहीं होगा तो भी ग्रो करेंगे, ऑब्लिगेट एनारोबिक मीन्स ये ऑब्लिगेट है, इनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं ग्रो करने के लिए, ऑक्सीजन होगा तो ग्रो नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रिडियम। माइक्रो एरोफिल, माइक्रो एरोफिल मतलब थोड़ा सा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इजिली ग्रो कर जाएंगे। पीएच रिक्वायरमेंट, पीएच की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एसिडोफिल्स, एल्कलीफिल्स या न्यूट्रोफिल, एसिड चाहिए, एल्कलाइन कंडीशन चाहिए या न्यूट्रल कंडीशन चाहिए, उसके बेसिस पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मेटिक रिक्वायरमेंट क्या है, हेलोफिल्स हैं,
ऑब्लिगेट हेलोफिल्स हैं या फैकल्टेटिव हेलोफिल्स है उसके बेसिस पे भी ऑस्मेटिक को बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। फ्लैजिला, फ्लैजिला मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो लोकोमोशन और मूवमेंट्स के लिए होता है। एट्राइकस मतलब उनको उनके कोई भी फ्लैजिला नहीं है। मोनोट्राइकस मतलब एक फ्लैजिला है उनकी बॉडी पे। लोफोट्राइकस मतलब एक से ज्यादा प्रेजेंट है और पूरी बॉडी पे एक मतलब पूरी बॉडी पे एक ही एरिया में है उसको लोफोट्राइकस कहते हैं। एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस है मोर देन वन, बहुत सारे अगर फ्लैजिला है तो उसके बेसिस पे भी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स क्या है फ्लैजिला के बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर की एंडोस्पोर है अंदर स्पोर बना रखा है या बैक्टीरिया के आउटर सरफेस पे एक्सो स्पोर बना रखा है उसके बेसिस पे भी बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है। इन सबके अगर डिटेल आपको पढ़नी है तो आप प्लीज कमेंट करना, तो मैं सबके इनके पूरा ग्राम स्टेनिंग सेप्स न्यूट्रिशन पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू। सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ बैक्टीरिया जो आप इजिली 5 नंबर्स में या 7 नंबर्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।